Okay, so today we will solve some examples on what we have learned in last few lectures. Just to give you a break from theory, a stone is released from the window of a train moving on a horizontal track. So you have a train which is moving on a horizontal track and a stone is released. The stone will hit the ground following, मतलब जब stone ground पे जाके गिरेगा तो will it follow straight path? Of course not. Will it follow circular path? Of course not. So you should already know that मैंने पढ़ाया है आपको when an object is given initial velocity in the horizontal direction from some height h, this is a part of projectile motion and projectile motion is parabola. So it is parabolic path, right? So yahan pe there should not be any doubts. So horizontal projectile motion mein humne ek object ko height se ek push diya tha in horizontal direction. फिर आप बोलोगे यहाँ पे कहाँ पुश दिया, यहाँ तो बोल रहे हैं इट इज रिलीज्ड. हाँ, लेकिन रिलीज का मतलब ये भी तो होता है ना कि जो ट्रेन का स्पीड, बिकॉज ट्रेन वॉज मूविंग, यहाँ का बिल्डिंग मूव हो रहा था क्या? नहीं, तो बिल्डिंग रेस्ट पे था तो हॉरिजॉन्टल पुश देना पड़ेगा. बट जब मूविंग व्हीकल से आप एक स्टोन को रिलीज करोगे तो इट विल परफॉर्म पैराबोलिक पाथ बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. सो आंसर इज See, this is oral question. A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally at constant speed. When air resistance is taken into consideration, the bomb. मतलब हम लोग normally air resistance लेते नहीं हैं consideration में, पर अगर ले लिया तो what will happen with the bomb? Falls to earth exactly below airplane. मतलब एरोप्लेन के एग्जैक्टली नीचे आके गिरेगा, मतलब लाइक दिस. ओके, फॉल ऑन अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, मतलब विल इट बी लाइक हियर. फॉल ऑन अर्थ अहेड ऑफ एरोप्लेन, मतलब विल इट फॉल लाइक हियर. फ्लाइज विद द एरोप्लेन, दिस इज नॉनसेंस, ऑप्शन डी इज नॉनसेंस. So, you should know one thing, that two possible cases are these two cases. Okay, या तो वो प्लेन से आगे आके गिरेगा. प्लेन से आगे आके कब गिरेगा? जब एयर रेजिस्टेंस आप निग्लेक्ट करते हो. When you neglect air resistance, right? पर हम लोग एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो इट विल फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट एग्जैक्टली बिलो, सॉरी बिहाइंड. सो लेट मी इरेज दिस. सो आइडिया वॉज व्हेन यू हैव एन एरोप्लेन एंड इफ यू कंसीडर एयर रेजिस्टेंस है तो उस केस में इट विल फॉल बिहाइंड एरोप्लेन. वेल, आई हैव पर्सनली ट्राइड दिस, नॉट थ्रोइंग बॉम्ब फ्रॉम एन एरोप्लेन, नॉट थ्रोइंग एनीथिंग फ्रॉम एरोप्लेन. आपको याद होगा बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स पे ट्रॉली होता है ना, दो हिल्स के बीच में एक रस्सी होता है, रस्सी पे एक ट्रॉली होता है. वैसे ट्रॉली का स्पीड बहुत कम होता है, बट इफ इट इज मोर स्पीड, एनीवेज, इफ यू ड्रॉप अ कॉइन तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इट विल फॉल. ड्रॉप बोला है, रिलीज बोला है, ये इंपॉर्टेंट है. ड्रॉप्ड, दे आर नॉट टेलिंग यू कि आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया. इनिशियल वेलोसिटी दिया होता तो मे बी वो प्लेन के नीचे आके गिरता, बिलो मे बी, बट यू आर रिलीजिंग, ड्रॉपिंग इट, यू आर नॉट गिविंग एनी एडिशनल वेलोसिटी टू द बॉम्ब.
So it should fall behind. Right. So this is how you can explain or easy question hai. I don't think this kind of questions are important, but lena hai to le liya ye oral question tha. Right. Aur agar aapko logical argument dena hai to aap bol sakte ho that due to air resistance the horizontal velocity decreases. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस मतलब एरोप्लेन तो आगे जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी बट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस बॉम का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इट विल फॉल बिहाइंड दिस इज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट ओके जस्ट लेट मी शेयर स्क्रीन शेयर फाइन documents fine this is okay right you should be able to see screen again question number 3 the maximum range of a gun on a horizontal terrain is 16 km hai na maximum range ye word sunte se hi dimag mein aana chahiye r max is equal to u square by g ये हमने derive करके रखा है अगर याद नहीं होगा तो r equal to u square sin 2 theta by g ऐसा लिखते हो फिर आप बोलते हो that sin 2 theta is 1 for range to be maximum maximum range के लिए sin 2 theta की value 1 होती है this is what you should know okay right तो ये आर मैक्स की वैल्यू मतलब यू स्क्वायर बाय जी जो है 16 किलोमीटर ये ध्यान देना नहीं तो गए होती है गलती मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको राइट इसका मतलब मुझे मिल गया यहां से यू स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 10^3 इंटू जी राइट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफकोर्स यू स्क्वायर है तो जी की वैल्यू 10 बोली है तो 16 × 10^3 इंटू 10 मतलब 16 × 10^4 आ गया U square. What must be muzzle velocity of the shell? What do you mean by muzzle velocity? Muzzle मतलब initial velocity. Okay? तो जब what they are telling you is हमने एक gun को fire किया है उसमें जो bullet निकलेगा जो shell निकलेगा उसका range maximum range है 16 किलोमीटर तो मजल मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा तो मिल गया ये क्या यू स्क्वायर तो मिल गया इससे यू स्क्वायर बाय जी 16 किलोमीटर तो मीटर में लिख दिया तो यू मिल गया मुझे अंडर रूट 4 × 10^2 400 मीटर पर सेकेंड हो गया ओके इजी है इट इज जस्ट 400 मीटर पर सेकेंड सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस question it is extremely simple question okay bahut simple question tha nothing is there next question okay yeah. so an aeroplane moving horizontally with a speed of 720 किलोमीटर पर आर ड्रॉप्स अ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ सो यू हैव एरोप्लेन व्हिच इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 396.9 मीटर इट द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 720 किलोमीटर पर आर इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में करेंगे इट ड्रॉप्स अ फूड पैकेट द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मतलब आपको एक तो निकालना है व्हाट इज आर इन दिस केस एक आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आपको याद है तो गुड अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से देख लो
टाइम ऑफ फ्लाइट टी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिराइव करके दिया था, 2h/g होता है, राइट right? और 2 × h इज 396.9 और g वैल्यू इज 9.8। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस। सो दिस कैलकुलेशन एक्चुअली कैन बी डन इजीली। कैसे इजीली? तो 396.9 डिवाइडेड बाय 9.8 ये आपको पता होना चाहिए, ओके, राइट। तो इफ यू डोंट नो, यू हैव टू यूज लॉग टेबल। 396.9 डिवाइडेड बाय 9.8 इज 40.5, ओके। तो 40.5 इंटू 2 दैट इज 81। और हाउ डू आई नो, मैं बताता हूं आपको, मुझे कैसे पता लगा मैं बता देता हूं। दैट इज अंडर रूट ऑफ 81 एंड दैट इज 9 सेकेंड। हाउ डू आई नो इज बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट ऑप्शन, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, ओके, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या था मेरे लिए, ये कि मैं अगर इसको 2 × 400/10 भी कर लेता अप्रोक्स रूट ऑफ 80 इज रफली 9। वन थिंग वॉज दिस इन माई माइंड, राइट। तो इसलिए आई वॉज थिंकिंग कि 396.9 × 9.8 विल बी अराउंड 40 point something। तो 40 point something इंटू 2 करूंगा तो 81 के आसपास आएगा, तो 9 सेकेंड आएगा, 9 सेकेंड खत्म, बाकी कुछ करना ही नहीं। तो फिर जस्ट टू वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था रेंज आर। रेंज आर का फॉर्मूला अगर याद होगा, u × t था u × time of flight था। मैंने कल ही लिया है सब। u is 3 is 720 किलोमीटर पर आर। 720 किलोमीटर पर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 1 and 40 200 मीटर पर सेकेंड। और u की वैल्यू अगर आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 9 है, तो 1800 मीटर का आपका आ गया रेंज, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सिंपल, यू जस्ट हैव टू नो इक्वेशंस, फॉर्मूलास, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल कैपिटल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ स्पीड of 5 meter per second from the same height. A particle is dropped and another particle is thrown. मतलब जो throw किया है in horizontal direction, ये important है, ये important है. In horizontal direction मतलब it will be a part of projectile motion. Then the correct statement is both particles will reach ground simultaneously. Both particles will reach ground with same speed. Particle A will reach first. Particle B will reach first. So, आपको already पता है कि ये जो particle B है, वो हमने अभी देखा, B particle को कितना time लगता है, कितना time लगता है अभी देखा ना हमने, time for B, अभी देखा, time of flight, under root of 2h/g. What will be the time taken by A? अगर ये height h है हमारा, right? तो मैं लिख सकता हूँ v square equal to u square plus 2as. Initial velocity 0 है, okay? So initial velocity is 0. So initial velocity 0 है क्यों? क्योंकि ये word है dropped. You should know this word is important, dropped. Matlab u is 0. So for particle A,
यू हैव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू जी एच, राइट? ओके, टू वी नीड दिस, हमको चाहिए टाइम, टाइम तो टाइम के लिए तो ये क्वेश्चन यूज करेंगे, क्या करेंगे फिर? एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज एच, यू इज जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इन दिस केस फॉर पार्टिकल ए स्क्वायर विल बी टू एच स्मॉल एच बाय जी, तो टी ए विल बी अगेन अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी, so both particle will reach ground simultaneously, so this was of no use for us. Okay, easy hai, right? So b particle ko kitna time laga, 2h by g under root of, a ko kitna laga, 2h by g under root of 2h by g, matlab so both particle will reach simultaneously, khatam. Easy question. सिर्फ B particle projectile motion है और A particle straight line motion है. That's it. Next, a ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of 4 meter per second. You have a horizontal table. Ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of. बोलने का मतलब ये कि horizontal velocity आपको u x equal to u equal to 4 meter per second दिया है. It hits the ground after 4 seconds. मतलब time of flight 4 second दिया है. Which of the following, which statement given below are true? तो कौन सा statement true है? It hits the ground at a horizontal distance of 1.6. मतलब ये range पूछा है. तो range निकाल लो. अभी मैंने बताया था range is u into t, right? तो 4 into 4 है ना, कितना u 4, t कितना 4, मतलब 16 या 1.6 मीटर बोला है, राइट? तो इज इट करेक्ट, यस और नो यू हैव टू चेक. सो दिस इज नॉट करेक्ट बेसिकली, ओके? तो ऐसा आपको चेक करना है हर एक के लिए. तो दिस आई विल लाइक यू टू डू एज असाइनमेंट बिकॉज इट इज गुड दैट यू डू एज एन असाइनमेंट. And they are telling that which of the following statement are true. So, 1 minute, ruk jao. Right. So, this will go as an assignment. Options are there. So, you have to check for yourself, of course. You cannot everything I should be doing for you. You should also be doing something for yourself. Next. Again, question one. Kyunki topic change hua. So we are going from horizontal to oblique motion now, projectile. Which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in a long jump event? Okay, so athlete jo hai, the long jump mein, long jump event mein participate kiya hoga usne, to which of the factors will affect the horizontal distance covered, right? How do you basically solve this question? The speed before he jumps and his weight, direction in which he leaps and the initial leaps, matlab jump marne ka, right? The force which he pushes the ground and his speed, none of this. Dekho, horizontal range jo hota hai na, it is u square sine 2 theta by g. तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन एंगल एट विच द एथलीट जंप्स,
मतलब द डायरेक्शन इन विच ही लीप्स एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। राइट, लीप का पता मतलब पता होना चाहिए था। लीप मतलब कौन से डायरेक्शन में उसने जंप मारा, इनिशियल जंप मारा, दैट इज लीप। तो इजी क्वेश्चन था, दैट्स नथिंग। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यू हैव टू बी केयरफुल हियर। व्हाई? बिकॉज जब इन्होंने बोला है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट जीरो होता है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट वी एक्स। राइट, तो वी एक्स इज यू बाय टू, ऐसा बोला है, इज हाफ द इनिशियल स्पीड। और हमको ये भी पता है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, सो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मतलब इक्वेशन नंबर वन एंड टू से मैं बोल सकता हूं u by 2 is u cos theta, मतलब cos theta is half, right? cos theta की वैल्यू half कब होती है? 60 डिग्री पे, तो theta is equal to 60 डिग्री आ गया, खत्म। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ समझना था कि when they say the speed of projectile at its maximum height is half of its initial, we are talking about x component, क्योंकि projectile motion में y component of speed at max height is zero. This is what you should know. Next question. A missile is fired for maximum range with initial velocity 20 meter per second. If g is 10, the range of missile is, wow, simple question. Maximum ke liye fire kiya gaya hai, to u square by g aayega, kyunki maximum ke liye yahan pe jo sin 2 theta aata hai, wo 1 hota hai, matlab theta 45 degree aata hai, humko pata hai. So just u square by g. To easy question hai. Initial square 20 square by g is 10. So 400 by 10, that is 40 meter. खत्म। तो 40 मीटर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। राइट, ऑफ कोर्स मैंने सिंपल से स्टार्ट किया है। राइट, सो दैट फैक्टर इज देयर ऑलवेज। गैलीलियो राइट्स दैट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये कि अगर मैंने एक एंगल थीटा 30 लिया, दूसरा 90 माइनस 30 लिया, मतलब 60 लिया, तो 30 डिग्री के लिए रेंज और 60 डिग्री के लिए रेंज सेम होता है। सो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा इज they are also complementary angles, right? So theta and 90 minus theta, yeah, 45 plus theta and 45 minus theta, they are complementary angles. So complementary angles ke range same hota hai. Matlab iske liye jo range hoga R1 equal to R, iske liye bhi range R2 equal to R hoga. So horizontal range ka ratio 1:1 hoga. So ye batana chahiye tha ki 45 plus theta and 45 minus theta, they are complementary angles. Simple. Okay. So this is what you should know. Okay. Bahut easy hai. Prove bhi kar sakte ho. If you want, you can prove. Kaise? R kya hai? U square sine 2 theta by g.
तो मैं एक बार डालता हूं थीटा की जगह पे 45 प्लस थीटा, तो यह आएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 into 45 इज 90, 90 प्लस थीटा साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा बाय जी, व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, इतना मैथमेटिक्स तो पता होना चाहिए, कॉस ऑफ 2 थीटा बाय जी, ये हो गया आपका आर वन। सिमिलरली मैं जब यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी में इफ आई पुट 45 माइनस थीटा, तो उस केस में ये आएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बोथ आर कॉस ऑफ 2 थीटा। तो आ गया क्या रेंज वन और रेंज टू सेम, कॉस ऑफ 2 थीटा बाय जी, कॉस ऑफ 2 थीटा बाय जी, मतलब आर वन अपॉन आर टू इज वन। इतना करने से अगर पता होता कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और ये पता होता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रेंज सेम होता है, तो 1:1 ओरल क्वेश्चन खत्म, राइट खत्म। फिर ये क्वेश्चन वही है, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन विथ वेलोसिटी वी एट एन एंगल ऑफ 30 टू द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर बॉडी बी ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 60 डिग्री, इंपॉर्टेंट दोनों बॉडीज का मास वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम होना भी चाहिए इनिशियल, बट एक का एंगल 30 है एक का एंगल 60, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब रेशियो ऑफ रेंज इज 1:1 खत्म। 30 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो डन, इट्स डन, इजी है, राइट। सो सच इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इफ यू नो थियरी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, थ्योरी के बिना नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, एच का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जिसको ये याद नहीं रहता उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था इट इज वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g, ये मैंने बताया था। जिसको ये भी नहीं याद रहता तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट पे फाइनल कंपोनेंट इज 0, वाई कंपोनेंट, डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन इज एच, राइट। तो मैं लिखूंगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस, मतलब ठीक है प्लस लिख लो पहले, 2ay s। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल क्या होता है, यू वाई को यू वाई रखता हूं मैं, माइनस क्यू क्योंकि इनिशियली द प्रोजेक्टर इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो 2g, और s कितना है, h है, तो यहां से क्या आ गया, h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। इतना तो बनता है, इतना तो पता होना भी चाहिए आपको। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सिंपल, राइट। एच मिल गया, बट टाइम ऑफ फ्लाइट भी याद होना चाहिए, 2u sin थीटा बाय जी, क्योंकि यू साइन थीटा बाय जी इज टाइम ऑफ एसेंट, यू साइन थीटा बाय जी इज टाइम ऑफ डिसेंट। हमको बोला है अच्छे से पढ़ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एच अपॉन टी स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा पूछा है। यहाँ पे बच्चे कर देते हैं गड़बड़, एच बाई टी कर देते हैं, फिर बोलते हैं आंसर ही नहीं आ रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं होता। तो क्या करना, एच एच इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g अपॉन टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर 4, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी का जी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर गया, 1g और 1g गया, तो ये आ गया आपका, ये जो जी है ये ऊपर जाएगा, जो 2 है वो नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, g/8, बट जी 10 बोला है तो 10/8, 10/8 इज 5/4, तो 5:4 इज करेक्ट आंसर,
फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, और मजा भी आएगा बिकॉज इफ यू नो थिंग्स तो फटाफट सॉल्व होता है। जैसे ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आपको आना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एंगल थीटा इज विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को u की जगह पे v बोला है। व्हाइल राइजिंग अप द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर टाइम t, हमने निकाला नहीं क्या है? मैंने आपको बताया था vx is always equal to ux is always equal to u cos theta, यहाँ पे u की जगह पे v बोला है तो v cos theta। फाइनल वेलोसिटी इज y कंपोनेंट इज पता है ना आपको uy plus ayt, but uy is u sin theta minus gt, क्योंकि ay will be minus g going against the gravity, u की जगह पे v लिखना है v sin theta minus gt। velocity v bar at any instant is vx i cap plus vy j cap, हमने किया है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, मैं फिर भी बता रहा हूं। तो vx is v cos theta i cap plus vy is v sin theta minus gt j cap, तो आपको मिल जाएगा यहां से mod of v is equal to under root of x component square, मतलब v cos theta का square, okay? v cos theta का square plus v sin theta minus gt का square, okay? तो you will have to square it, v square cos square theta plus a minus b bracket square, a square minus 2v sin theta gt, है ना, a square minus 2ab plus b square g square t square, correct, easy। फिर यहां से v square common निकाल लो, cos square theta plus sin square theta minus 2v sin theta into gt, क्योंकि यहां पे मुझे ब्रैकेट डालना चाहिए, अदरवाइज वो है sin of theta gt हो जाएगा, मतलब ठीक है, इट्स ओके, प्लस g square t square। अभी ये sin square plus cos square वन हो जाएगा, तो ये वन होने के बाद ऑप्शन नंबर सी बचेगा, सिंपल, v square plus g square t square minus 2v sin theta gt, खत्म, राइट। तो मैंने आपको बताया था दैट व्हेन डूइंग थ्योरी वी आर एक्चुअली सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, तो दैट वाज द बेसिक आइडिया व्हेन आई सेड कि ऐसा है, ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। इजी है, फाइनल वेलोसिटी x component of final velocity never changes, y component कैसे निकालते हैं मैंने आज भी बताया है, पहले लेक्चर में बताया था, then it is just a minus b bracket square लगाना है और सॉल्व करना है, okay, right, just a minute, let me see how many more, a lot more questions, तो मैंने बहुत सारे paste करके रखे हैं, but we will stop it here because I really want you to take some time for revising, जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक रिवाइज करो, क्योंकि आज ये पहला क्वेश्चन आया ठीक ठाक लेवल का, आई विल बी इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज रिवाइज सो दैट आई कैन गो लिटिल हायर लेवल।